कोरबा में विद्युत वितरण कंपनी के ठेका मजदूरों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के ठेका मजदूर संघ ने बिजली कंपनी मुख्यालय में आम सभा का आयोजन किया और प्रबंधन को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संगठन की ओर से प्रबंधन को सौंपे गए मांग पत्र में कंपनी के ठेका प्रथा समाप्त करने, सरकार के घोषणा पत्र अनुसार ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण और कंपनी सीधे वेतन का भुगतान करे, ठेका मजदूरों को दीपावली के पहले बोनस का भुगतान करने, ठेका मजदूरों का जो काम नहीं है वह काम भी उनसे कराया जाता है, ऐसे में अनाधिकृत कार्य को अधिकृत करते हुए कुशल श्रेणी के मजदूर मानना चाहिए, केंद्र सरकार के दर के अनुसार मजदूरी का भुगतान होना चाहिए, इसी तरह विशेष सुरक्षा बीमा, किसी कर्मचारी की छटनी नहीं करने की मांग शामिल है। इस दौरान बीएमएस उद्योग संघ के प्रभारी राधेश्याम जायसवाल, धर्मदास शुक्ला, एसके मजूमदार, नरेश चौहान, सुरित नायक, दिनेश साहू व अन्य उपस्थित रहे। आज का जो मुद्दा है वो विधिवत नोटिस के बाद धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम 20 का रखा है, आज उसके परिप्रेक्ष्य में आम सभा रखी गई है। आज जो मुद्दे हैं तीन प्रमुख है, जिसमें ठेका श्रमिक जिनको न्यूनतम वेतन का भुगतान वर्षों से नहीं हो रहा है, वेतन की पर्ची नहीं दी जा रही, तो बोनस का भुगतान है वो 7000 के आदेश है, सरकार के नियम है वो नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी के कर्मचारियों का कारखाना नियम होते हुए भी ओवर टाइम बंद कर दिया गया है। सीआर नकदीकरण की सुविधा अधिकारी को दी गई है, कर्मचारियों को नहीं दी गई। ये तीन प्रमुख मुद्दे अभी तो तीनों प्लांट में चलेगा। 20 तारीख को यहाँ धरना है, प्रदर्शन है दिन भर का। 26 तारीख को 9 अक्टूबर में दर्री गेट पे है और 1 नवंबर को मड़वा संयंत्र के पास। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।